हमारे मेरे प्रश्न के कंडिका दो में सरकार ने गलत उत्तर दिया है महोदय। मैंने पूछा था ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल के बारे में कि असूचीबद्ध है, मैंने कहा है, और सरकार ने कहा कि सूचीबद्ध है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि फरवरी 2020 से जुलाई 2020 के बीच ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल सूचीबद्ध था कि नहीं मुख्यमंत्री जन बीमा योजना के लिए। अध्यक्ष महोदय, वो सूचीबद्ध था और वो सूचीबद्ध था और उसमें जो है जो इनके जो दूसरे भी सवाल है उसका भी मैंने आपको कम शब्दों में समुचित जवाब दे दिया है कि इनके कुछ खामियों की कमियों की बात आई है, उसकी जांच कराकर उसको जो है हम लोग जांच करवाकर उस पर उचित कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री का उत्तर सही नहीं है, मेरे पास कागजात है, मैं माननीय अध्यक्ष महोदय को भेज रहा हूँ और इसमें साफ है कि जितने सूचीबद्ध अस्पताल हैं उसमें ब्रह्मानंद नारायण का नाम नहीं है। महोदय, जब ब्रह्मानंद नारायण का नाम और लग्नक एक में नहीं है तो ये उत्तर जो आया है ये उत्तर बिल्कुल गलत है, सदन को गुमराह करने वाला है महोदय। और दूसरा, आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, उत्तर गलत है, सदन की समिति बनाई है इसकी जाँच करने के लिए। अध्यक्ष महोदय, यदि माननीय सदस्य को इस पर आपत्ति है तो हम लोग इसकी पुनः जांच कर लेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं। नहीं महोदय, जब सरकार ने सदन में कहा है तो सरकार को अपने आधिकारिक सूत्रों से जानकारी मिली होगी, माननीय मंत्री जी ने उसको सदन में रखा है, उसके पहले उन्होंने संचिका देखी होगी। जब सदन में प्रश्न आया, जब सदन में प्रश्न आया उसके बाद के तिथि में जमशेदपुर के सिविल सर्जन ने इनके पास भेजा है कि इसमें गड़बड़ियां हुई और स्पेशली हमने पूछा है कि ब्रह्मानंद नारायण अस्पताल सूचीबद्ध है कि नहीं है। मेरे पास कागजात है, सरकार के फाइलों के कागजात है जिसमें वो सूचीबद्ध नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी जब गलत जवाब दे रहे हैं और सवाल आने के बाद जब सूचनाएं आ रही है महोदय, तो विभाग पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये तो केवल एक अस्पताल की बात है महोदय, पूरे राज्य में ऐसी स्थिति है, इसलिए ये केवल एक अस्पताल की बात नहीं है, पूरे राज्य में ऐसी स्थिति है। तो सरकार के जवाब पर भरोसा नहीं किया जा सकता महोदय। सदन की एक समिति बने जो जांच करे कि सरकार ने गलत उत्तर क्यों दिया। माननीय मंत्री जी, गलत उत्तर का शिकायत बराबर आते रहता है, इसलिए मैंने पिछले दिन अपने कार्यालय कक्ष में इस बात को रखा भी कि कम से कम माननीय सदस्यों का जो प्रश्न का जवाब आता है उसको जो अधिकारी है उसको जवाबदेही के साथ देख ले। बताइए क्या बताना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, इसकी जांच करके अध्यक्ष महोदय के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जो चलते सत्र में आपको सुपुर्द कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार दोबारा क्या जाँच कराएगी? जब स्पेसिफिक प्रश्न है, विशिष्ट प्रश्न है, चलते सत्र में उत्तर मिल जाएगा सरजू बाबू। कब चलते सर? इसी मंगलवार तक। मंगलवार ठीक।